हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा बोला गया है डायमीटर ऑफ द रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर अ लेवल ऑफ प्लेग्राउंड। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। आपको बोला गया है क्वेश्चन में एक रोलर है, ठीक है। रोलर जो क्या करता है, ग्राउंड को लेवल करता है, ठीक है। उसका डायमीटर है 84 सेंटीमीटर और उसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो दी गई है 120 सेंटीमीटर। अब आपको बोला गया है अगर हम यहाँ पे जो रोलर है प्ले ग्राउंड को लेवल करने में 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है, मतलब वो अपने जो रोलर के 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है तो वो कितना प्ले ग्राउंड को लेवल कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा हम उसका क्या निकालेंगे, उसी रोलर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। फिर उसको आप 500 से मल्टीप्लाई करना। चलो रोलर भी जो है वो आपके पास किस फॉर्म में होता है, वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है। इस तरह से रोलर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये रोलर इस तरह से हो जाएगा ना आपके पास, तो बट ये कौन सी फॉर्म होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 आपको डायमीटर आपका रोलर दिया गया है, तो डायमीटर आपका रोलर वो है 84 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन में एक चीज और नोट करनी है, जो आपको बोला गया है प्ले ग्राउंड का एरिया को लेवल करेगा कितना मीटर स्क्वायर, तो बेटा वो मीटर स्क्वायर में है, इसलिए आप इसको सेंटीमीटर में दिया गया है। आपको डायमीटर आप किसमें कन्वर्ट करेंगे, ये मीटर में, तो आप लिखेंगे यहाँ पहले रेडियस ऑफ द रोलर, तो वो लिखेंगे आप स्मॉल आर में, ठीक है। तो 84 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 42 आ जाएगा। फिर आप इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, तो ये 20 कट हो जाएंगे आपके पास, 0.42 मीटर आ जाएगा। फिर आपको जो उसकी लेंथ दी गई है वो हमारे पास हाइट बन जाती है सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, इसलिए हाइट आप रोलर आप कर लेंगे, वो कितनी दी गई है आपको 120 सेंटीमीटर। अब 120 को भी आप 100 से अगर डिवाइड करेंगे जीरो कट, ये वाले जीरो का पॉइंट आ जाएगा 1.2 मीटर, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। कर्व सरफेस एरिया आप रोलर निकालेंगे, रोलर कौन सी फॉर्म है, सिलेंडर, तो ये आ जाएगा 2πRh। 2π की वैल्यू बेटा 22 स्टार्टिंग में दिया गया है, अगर आपके पास नहीं दिया गया पाई का 22/7 यूज करेंगे। आर है 0.4 और नेक्स्ट आपके पास हाइट है 1.2, तो आप ये करेंगे 7 ये 6 है आपके पास, 7.06 आ जाएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आप 0.2 फिगर से पहले हैं, इसलिए 0.6 आएगा, ठीक है बेटा। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ जाएगा। अब ये नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 6 72, बट ये 1 2 3 फिगर, 3 फिगर के पहले पॉइंट है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 को 72 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई 0.072, आपके पास आ गया 3.14, लिखेंगे आप 3.168 ये आ गया आपके पास, ठीक है। और ये है हमारा मीटर स्क्वायर में चल रहा है, ओके। अब ये हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ गया किसका, सिलेंडर का, मतलब जब एक बार घूमेगा तो आपके पास रोलर जो है वो घूमता है, तो वो कवर क्या करता है अपना, कर्व सरफेस एरिया। एक बार मूव होगा, एक बार वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 3.168 मीटर स्क्वायर, तो आप लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस कवर इन वन रेवोल्यूशन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 3.168
3.168 मीटर स्क्वायर, फिर आप अगेन देखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशन, तो 3.168 मल्टीप्लाई 500, तो ये आ जाएगा 5, आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 6 30 34 5 5 5 और 3 8 5 3 15. अब आपके पास 3 फिगर है, तो ये 0 0, ये भी 2 थे, ये तो मतलब 1584 मीटर स्क्वायर, इतना आपके पास ये जो डिस्टेंस है कवर होगा, ठीक है, 158 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लास्ट में जो आपको पूछा गया है एरिया प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर, तो आप लिखेंगे हैंस एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, एरिया प्लेग्राउंड इज 1584 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना एरिया प्लेग्राउंड जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास लेवल हो जाएगा, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज 1584 मीटर स्क्वायर, ओके बेटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इतना डिस्टेंस हमारा या कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव वाला, फाइव वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, अ सिलैंडरिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। बेटा आपको क्वेश्चन में बोला गया फिफ्थ वाले में अ सिलैंडरिकल पिलर, आपके पास ये सिलैंडरिकल पिलर आ गया, ठीक है। फिर आपको बोला गया 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट, अब आपको उसकी जो डायमीटर है वो किस में दिया गया है 50 सेंटीमीटर में, और हाइट जो दी गई है 3.5 मीटर में दी गई है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर, आपको जो कॉस्ट निकालनी है पर मीटर स्क्वायर की वो दी गई है 12.50, वो मीटर स्क्वायर में है, ठीक है, मतलब आप जो भी वैल्यू दी गई है वो आप मीटर स्क्वायर में करेंगे। चलिए तो आप लिखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया गया है डायमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर वो दिया गया है आपको 50 सेंटीमीटर, तो कन्वर्ट करेंगे आप इसको 50 को, पहले रेडियस निकाल लेते हैं, आप रेडियस आर लेते हैं स्मॉल, 50 बाय 2 करेंगे ये आ जाएगा 25, अब ये 25 सेंटीमीटर है आपका, आप इसको मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट आपको हाइट दी गई है, हाइट ऑफ द पिलर वो आपके पास एच होती है, एच आपके पास कितना दिया गया है 3.5 मीटर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर, तो वो आ जाएगा 2πRH, 2π नहीं दिया गया तो 22/7, आर है आपके पास 0.25, एच है 3.5, 5 से आप कट करेंगे 7 एक ही पॉइंट है ना, तो 3.5 आ जाएगा, 44 मल्टीप्लाई 5 से आप करेंगे 525 125, और 3 फिगर से पहले पॉइंट है ये आ जाएगा, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 0.125 × 44 5.5 आ जाएगा आपके पास, कितना आ गया वो 5.5, ठीक है 5.5 मीटर स्क्वायर। अब आपको कॉस्ट दी गई है 1 मीटर की, आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग
ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज 12.50 ये दिए ना रुपीज 12.50। तो अगेन आप लिखेंगे कॉस्ट आपको 1 मीटर स्क्वायर दिया, हमारे पास कितना एरिया आया 5.5 मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 12.50 × 5.5, तो ये आ जाएगा बेटा आप 5.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 12.50 ये आ जाएगा 68.75। ठीक है, तो रुपीज क्या आ जाएगा 68.75 रुपीज। ठीक है, ये आपके पास इसकी कॉस्ट आ गई। ओके, पेंटिंग की कॉस्ट पूछी थी वो आपके पास आ गई। ओके, थैंक यू।